बिजली विभाग के मीटर रीडर की सड़क दुर्घटना में इलाज के दौरान हुई मौत। सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर एक सड़क हादसे में मीटर रीडर की मौत हो गई है। ताजा मामला बबरगंज थाना क्षेत्र के बिजली विभाग के मीटर रीडर पंकज कुमार शाह की सड़क दुर्घटना में भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं साइकिल से मीटर रीडिंग कर अलीगंज चौक के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही बाइक सवार ने उन्हें धक्का मार दिया। धक्का लगने के बाद मीटर रीडर पंकज कुमार को स्थानीय क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें मायागंज अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मायागंज अस्पताल पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। मीटर रीडिंग के लिए साइकिल से निकले थे ये, अपना हर जगह मीटर रीडिंग बिजली विभाग में प्राइवेट इनको मिला हुआ था रीडिंग लेने का, और वहाँ पर अलीगंज तरफ से जो आ रही थी बाइक, उस पर पति पत्नी सवार थे। हम लोग भी मोटरसाइकिल का नंबर पता करने का प्रयास कर रहे हैं, और थाना प्रभारी बबरगंज से भी आग्रह है हमारा कि वो भी वहाँ पर थोड़ा सा सीसीटीवी फुटेज वगैरह की जांच करके, और वो जो इनके साथ जिसने धक्का मारा उस बाइक वाले का नंबर पता करें, और इनका बेहतर इलाज के लिए हम लोग वहाँ से पहले तो विजय डॉक्टर के यहाँ भर्ती कराए थे। वहाँ वो देखे, वो बोले डॉक्टर साहब कि इनको मायागंज ले जाइए। हम लोग मायागंज लाए, यहाँ पर जितना जल्द हो सका सारा व्यवस्था हम लोग सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ कराए। यहाँ से लोग बोला कि आप इनको बाहर ले जा सकते हैं। हम लोग बाहर ले जाने के लिए सिलीगुड़ी के लिए एम्बुलेंस वगैरह भी व्यवस्था कर लिए थे, तब तक ये मृत घोषित कर दिए गए। यही हुई है, और हमारा अभी भी फिर एक बार कहते हैं कि पुनः आग्रह है कि वहाँ के लोकल प्रशासन से, थाना प्रभारी से, कि वहाँ पर अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर उक्त व्यक्ति जिन्होंने धक्का मारा उसके बाइक का नंबर उपलब्ध किया जाए, और इनको उचित जो है जो भी मुआवजा हो दिलवाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये बहुत गरीब आदमी है और किसी तरह अपना मीटर रीडिंग करके गुजर बसर करते थे। ये रहने वाले अलीगंज सैलबाग में इनका मकान बनाया है। नाम इनका पंकज कुमार था, मेरा नाम चंदन पांडे हुआ, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ स्थानीय। अपना ये मीटर रीडिंग का काम करते थे, और ये मीटर रीडिंग के लिए साइकिल से जा रहे थे वहाँ अलीगंज चौक से, पहले एक दुकलवा जगह है सोनालिका ट्रैक्टर के सामने, वहाँ पर एक मोटरसाइकिल वाला आया और जो है इनको धक्का मार दिया और ये रोड पर गिर गए। इनका पूरा ब्रेन हेमरेज हो गया था। हम लोग वहाँ पहले विजय डॉक्टर के यहाँ ले गए, वहाँ वो बोले कि इनको मायागंज ले जाइए। फिर हम लोग यहाँ मायागंज लाए, तत्परता से यहाँ जाँच भी कराया गया, सब कुछ किया गया। अब हम लोग बाहर ले जाने की तैयारी में थे, एम्बुलेंस लगाए थे, इसी बीच में मृत घोषित कर दिया गया। इनका नाम पंकज कुमार था, ये प्राइवेट मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर मीटर रीडिंग का काम करते थे बिजली विभाग में, घर अलीगंज के सैलबाग मोहल्ला में। मेरा नाम चंदन पांडे हुआ, मैं वहीं का स्थानीय निवासी हूँ। आप लोगों को पता है कि पंकज कुमार हमारे मीटर रीडर थे मेगा कैलिबर के अंदर में, जो अब नहीं रहे, तो इसकी सूचना हम अपने अपर अधिकारी को दे चुके हैं। और ये सारे रीडर, जितने भी रीडर काम करते हैं, सबका ESIC इंश्योरेंस किया हुआ है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो भी इनको मुआवजा मिलना है वो क्लेम करेंगे, वो मिलेगा इनको कंपनी के द्वारा। ESIC है, ESIC के द्वारा मिलता है। इनकी कैसे मृत्यु हुई? इनकी मृत्यु एक्सीडेंट में हुई है, मुझे जानकारी इसकी 10 बजे हुई थी एक मीटर रीडर के द्वारा। तो मैं यहाँ पहुँचा, तो पहुँचने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं, होश में नहीं थे, तो बातचीत तो नहीं हो पाई। क्या अच्छा स्थल पे ही मृत्यु हुई है? नहीं 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 नहीं, नहीं यहाँ हॉस्पिटल में हुई है। हॉस्पिटल में कहाँ पर हुआ? मतलब इसी हॉस्पिटल पर ये तो इमरजेंसी वार्ड में। मेरा नाम सागर कुमार हुआ, सुपरवाइजर हुए हैं इसके, सीनियर हम ही हैं सुपरवाइजर। कंपनी का नाम? मेगा कैलिवर इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है।